अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सिंपल काली मिर्चों की चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, 3 पाव चिकन लेंगे, आधा कप कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 15 अदद हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 प्याली दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 अदद लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम। सबसे पहले हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर देंगे थोड़ा सा। फ्राई हो गया हमारा पेस्ट। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन का कलर हमारा वाइट हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सअप हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके रख देंगे। दो मिनट हो गए थे इसे कवर करके रखे हुए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। पहले जीरा, काली मिर्च पाउडर, नमक। ये धीरे चीज़ ऐड करने के बाद पहले हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया ये अच्छे से। अब हम इसके अंदर लौंग ऐड करेंगे, दालचीनी, और दालचीनी के बाद हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे उसको तोड़ के। और इसे मिक्स कर देंगे। बहुत मज़े की ये चिकन कढ़ाई तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। मिक्स हो गया ये अच्छे से। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से अगेन मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पहले हम इसे भून लेंगे, फिर हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम ही ऑन की हुई है। अब
अच्छे से रेमी डालने के बाद इसे मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये बताना मैं आपको भूल गई थी, इससे टेस्ट मज़े का हो जाता है इसका। और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल साबुत हरी मिर्च है, इसके अंदर मैंने कोई कट नहीं लगाया। और इसे कवर करके रख देंगे अच्छी तरह पकने के लिए। 20 मिनट के लिए इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था कवर करके। इसका पानी भी देखें तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें फ्लेम इसके नीचे मैं बंद कर दूँगी और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।